आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर क्राइम इन कैमरा देख रहे हैं। और आज की इस क्राइम इन कैमरा एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पटना के सिटी इलाके में हाल के दिनों में अपराध की वारदातों में काफी इजाफा हुआ है। हत्या की इस घटना से लोग दहशत में हैं। बहादुरपुर इलाके में हुई हत्या की इस घटना में मृतक की पहचान धनरुआ के मई गाँव के शख्स के तौर पर हुई है। दरअसल राजधानी पटना के सिटी इलाके में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों द्वारा आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता रहा है। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर स्थित शनिचरा मंदिर के पास का है, जहां सोमवार की देर रात बाइक सवार अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार होने में सफल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। किस कारण से अपराधियों द्वारा बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या की गई, यह सब अब स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने मृतक की पहचान धनरुआ थाना के मई गाँव निवासी नवीन कुमार के रूप में की गई है। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस हत्या के कारणों का तलाशने में जुटी हुई है। तो फिलहाल आज की क्राइम इन कैमरा में इतना ही। आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार।